तो क्या हाल है? 30 दिन 30 वीडियो चैलेंज की है, हमारी चौथी वीडियो है। और यदि आप लोगों ने पहली 3 वीडियोस को अब तक नहीं देखा तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। उन वीडियो में भी काफ़ी अच्छे अच्छे गेम्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो आप लोगों को जरूर पसंद आएंगे। तो एक बार उन वीडियोज़ को जरूर देख लेना। देखो, यदि मैं आप लोगों से कहूँ कि कोई एक ऐसा इंडियन कार सिमुलेटर गेम्स भी हो सकता है जिसमें आप लोगों को पुराने मॉडल्स कार होते थे, जैसे मारुति 800 हो गई, और जो लेटेस्ट कार मॉडल्स चल रहे हैं जैसे फॉर्चूनर, स्पारी वगैरह हो गई, सब गाड़ियाँ ड्राइव करने के लिए मिलेंगी। साथ ही आप लोगों को रोड साइड जो बोर्ड दिखाई देते हैं जिस पर ट्रैफिक सिग्नल वगैरह होते हैं, उनका मतलब भी जानने को मिलेगा। तो शायद आप लोगों को यकीन ना हो, लेकिन एक ऐसा इंडियन कार सिमुलेटर गेम मौजूद है जिसमें आप लोगों को यह सब कुछ मिलता है। आज इस वीडियो में उसी गेम्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या उस गेम का नाम है, कहां से आप उसको इंस्टॉल करा सकते हो, कितना उसका साइज, और क्या कुछ गेम प्लेइंग मोड्स आप लोगों को उस गेम में खेलने के लिए मिलते हैं, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। बस आप वीडियो को लास्ट तक देख लेना। सबसे पहले एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने अब तक जितने भी इंडियन गेम्स खेले हैं उनमें से सबसे बेस्ट गेम आप लोगों को कौन सा लगा है और क्यों लगा है। ये आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखकर दे सकते हो, तो जाओ और कमेंट सेक्शन में लिख दो। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई क्यूरी वगैरह है तो आप हमको इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ सकते हो। नीचे आप लोगों को हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट का जो प्रोफाइल आईडी है चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो जाओ वहाँ पर भी फॉलो कर लो। तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन लाइक गेम के 100 लाइक्स का है तो कंप्लीट करा देना 1 घंटे के अंदर ही। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्राफिक्स की। तो इस गेम में आप लोगों को अल्ट्रा HD क्वालिटी के ग्राफिक्स खेलने के लिए मिलते हैं, जिनमें आप लोगों को अच्छी खासी डिटेल देखने के लिए मिल जाती है। गेम प्ले बिल्कुल स्मूथ चलता है, बिल्कुल लिक्विड फ्लो है। आप लोगों को थोड़ा सा भी लैग गेम प्ले के दौरान देखने को नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इस गेम में मिलने वाले व्हीकल्स की। तो इस गेम में आप लोगों को इंडियन स्टाइल की बहुत सारी कार्स ड्राइव करने के लिए मिल जाती हैं, जिसमें आप लोगों को मारुति 800 से लेकर फॉर्चूनर जैसी बहुत ही बेहतरीन कार भी ड्राइव करने के लिए मिलती है। तो इस गेम में आप लोगों को ड्राइविंग करते समय तो मज़ा आने वाला है। साथ ही जो आप लोगों को एनवायरनमेंट मिलता है, मतलब सिटीज़ वगैरह मिलती हैं, उनमें भी डिटेल्स आप लोगों को बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। सबसे पहले बात करते हैं ग्राफिक्स की। तो इस गेम में आप लोगों को अल्ट्रा HD क्वालिटी के ग्राफिक्स खेलने के लिए मिलते हैं, जिनमें आप लोगों को अच्छी खासी डिटेल देखने के लिए मिल जाती है। गेम प्ले बिल्कुल स्मूथ चलता है, बिल्कुल लिक्विड फ्लो है। आप लोगों को थोड़ा सा भी लैग गेम प्ले के दौरान देखने को नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इस गेम में मिलने वाले व्हीकल्स की। तो इस गेम में आप लोगों को इंडियन स्टाइल की बहुत सारी कार्स ड्राइव करने के लिए मिल जाती हैं, जिसमें आप लोगों को मारुति 800 से लेकर फॉर्चूनर जैसी बहुत ही बेहतरीन कार भी ड्राइव करने के लिए मिलती है। तो इस गेम में आप लोगों को ड्राइविंग करते समय तो मज़ा आने वाला है। साथ ही जो आप लोगों को एनवायरनमेंट मिलता है, मतलब सिटीज़ वगैरह मिलती हैं, उनमें भी डिटेल्स आप लोगों को बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इस गेम में मिलने वाले गेम प्लेइंग मोड्स के बारे में। तो इस गेम में आप लोगों को 4 प्रकार के गेम प्लेइंग मोड्स खेलने के लिए मिलते हैं। पहला है अकेडमी मोड, जिसमें आप लोगों को जो ट्रैफिक साइन होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ नॉलेज दी जाती है। दूसरा है नाइट राइड, जिसमें आप लोगों को रात की इसमें ड्राइविंग करनी होती है। तीसरा है चैलेंज मोड, जिसमें आप लोगों को बहुत तरह के चैलेंज दिए जाते हैं। जैसे जैसे आप चैलेंज कंप्लीट करते जाओगे, नेक्स्ट चैलेंज में एंटर होते जाओगे। तीसरा है फ्री राइड मोड, इसमें आप बिल्कुल फ्री होकर राइड कर सकते हो। हालांकि केवल आप लोगों को एकेडमी मोड ही फ्री मिलता है, बाकी आप लोगों को अनलॉक करना पड़ता है। अनलॉक करने के लिए या तो आप कॉइन्स दे सकते हो या फिर आप लोगों को जो वीडियोज हैं वो देखनी पड़ती हैं। बात करें कंट्रोल्स की, तो गेम के कंट्रोल्स भी बहुत अच्छे हैं। हालांकि यहाँ पर आप लोगों को जो राइट हैंड साइड स्टेयरिंग व्हील मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों को एक्सेलेटर और ब्रेक मिलता है। हालांकि कंट्रोल्स स्मूथ है, आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। यदि बात करें साउंड क्वालिटी की, तो गेम की साउंड क्वालिटी भी ठीक ठाक है, आप लोगों को मजा जरूर देगी। कैमरा एंगल्स में भी आप लोगों को वैरायटी देखने को मिल जाती है। हालांकि इतना बेहतरीन कैमरा एंगल्स आप लोगों को गेम में देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी इतना बेकार नहीं है, मजा आप लोगों को जरूर आएगा। तो बाकी इस गेम में मुझे एक कमी दिखाई दी है। कमी यही है कि इसमें आप लोगों को ज़्यादा रास्ते देखने को नहीं मिलते, मतलब ऑफ रोड, हिल और कंट्री साइड रोड, हाईवे वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सा गेम है, खेलोगे मज़ा ज़रूर आएगा, लेकिन थोड़ा सा बोरिंग करने वाला भी है, क्योंकि बहुत लिमिटेड रास्ते आप लोगों को ड्राइव करने के लिए मिलते हैं। बाकी आप इस गेम को एक बार खेल लो। कॉमेंट सेक्शन में मैंने कॉमेंट पिन कर रखा है, वहाँ पर लिंक है, उस लिंक को ओपन करके आप इसको इंस्टॉल करा सकते हो। पहले गेम को खेलो, फिर कॉमेंट सेक्शन में आकर बताओ कि आप लोगों को गेम कैसा लगा है। देखो, गेम प्ले देखने के बाद आप लोगों को ये गेम जरूर पसंद आया होगा,
और आना भी चाहिए क्योंकि गेम के ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, साथ ही जो कॉन्सेप्ट है वो तो काफ़ी लाजवाब है, आप लोगों को खेल बिकते समय मज़ा भी आता है, साथ में थोड़ी बहुत नॉलेज भी मिलती है। तो चलिए मैं आप लोगों को इस गेम का नाम बता देता हूँ। इस गेम का नाम है ड्राइविंग अकेडमी इंडिया 3D। इस गेम को आप गूगल प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में इंस्टॉल करा सकते हो। गेम का साइज 71.55 MB का है जो कि काफ़ी स्मॉल है। हालांकि गेम ऑनलाइन है, आप लोगों को इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी खेलने के लिए, लेकिन ज़्यादा इंटरनेट आप लोगों का खर्च होगा नहीं, इतनी ज़्यादा मतलब क्वालिटी नहीं है ग्राफिक्स में जिसकी वजह से जो है इंटरनेट आपका ज़्यादा ख़राब हो। तो आप इस गेम को जरूर ट्राई करना, एक इंडियन गेम है, खेलते समय आप लोगों को मज़ा जरूर आएगा। यदि आप लोगों ने इस गेम को पहले खेल रखा है तो कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि आप लोगों को ये गेम कैसा लगा था, और यदि आप लोगों ने नहीं खेला है तो खेलने के बाद आकर जरूर बताना, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में कोई सजेशन है या कुछ पूछना है तो लिखकर आप बता भी सकते हो और पूछ भी सकते हो। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर लाल बटन को दबाकर अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में दिख रही बेल आइकन को भी दबा लेना और ऑल पर क्लिक कर लेना। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई गेमिंग रिव्यू वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।